नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी खबरें बताने का। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान समझकर IAF की मिसाइल ने उड़ाया खुद का ही विमान, 6 जवान हो गए थे शहीद। EVM VVPAT मिलान की प्रक्रिया में नहीं होगा बदलाव, इलेक्शन कमीशन ने ठुकराई विपक्ष की मांग। पूर्व न्यायाधीश ने गोगोई यौन उत्पीड़न मामले पर सवाल उठाए, कहा महिला के साथ हुआ अन्याय। पश्चिम बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा देश का माहौल खराब करने वाले किसी पार्टी के नहीं होते। राफेल मामला सुप्रीम कोर्ट से अपील, सील कवर में झूठी जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई। गुजरात में चेन झपटमारों को होगी 10 साल तक की कैद, नए कानून को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को घटाया, फिर भी चीन से आगे। VVPAT को लेकर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट पर लगाए आरोप, कहा वह भी धांधली में है शामिल। EVM में छेड़छाड़ पर सियासी विवाद, नायडू ने देवगौड़ा से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले केजरीवाल और अखिलेश ने एक दूसरे को बताया साथ साथ। न्यूरोलॉजिस्ट ने NDA को 261, UPA को 167 और अन्य दलों को 114 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की। चुनाव आयोग ने किया साफ, नतीजे आने में बस कुछ घंटों की होगी देरी। NDA की बैठक में PM मोदी ने विपक्ष के EVM विवाद पर जाहिर की चिंता। इसरो की बड़ी कामयाबी, RESET-2B सैटेलाइट सफल, सीमाओं की निगरानी करने में करेगा मदद। राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कांग्रेस ने कहा जब कामकाज में निष्पक्ष नहीं तो निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा आयोग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। फीस बढ़ाने को लेकर छात्रों में रोष, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के गेट को लगाया ताला। लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले NCP को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने दिया इस्तीफा, ज्वाइन करेंगे शिवसेना। पुंछ में LOC पर विस्फोट, सेना का जवान शहीद, 7 घायल। दिल्ली में टिकटॉक पर 5 लाख फॉलोवर वाले जिम ट्रेनर मोहित की हत्या, एक साथ दागी 13 गोलियां। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी टर्नओवर के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी, इंडियन ऑयल को पीछे छोड़ा। यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता जितेंद्र को मिली बड़ी राहत, अदालत ने FIR खारिज की। 200 से ज्यादा देशों में दिखेगा वर्ल्ड क्रिकेट, भारत में 7 भाषाओं में होगा प्रसारण। अमेरिका की चेतावनी, संवेदनशील डाटा चुरा सकता है चीनी ड्रोन। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी।